ऐसे भी हैं जो इसमें ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो इसमें को एक्यूज नहीं होते हैं, तो इसलिए कार्रवाई लगातार जारी है और हम आपको ये आश्वस्त करते हैं आगे भी कार्रवाई जो वैधानिक लीगल जो निर्देशों के तहत जो कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से की जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, जो लीगल एक्शन है हम मजबूती से आप चिंता न करिए, पुलिस आप ही लोगों की रक्षा के लिए है, आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए हम अपना काम करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस जो है इसमें कार्रवाई मजबूत से मजबूत कार्रवाई बच्ची को मार कर जेल में गिरफ्तार कराया और आजम खान को कोई गिरफ्तार नहीं करा रहा जेल में, ना हमारी जगह मिल रही है ना कुछ मिल रहा, परेशान है हम, धक्का खा रहे हम, इस उम्र में धक्का खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, हमें बर्बाद कर दिया, जमीन बस हो रही ना कुछ है, जमीन तक ही नहीं मिली थी, 4 साल होने को आगे आजम खान ने धक्के दे दे के और निकाल निकाल कर मार कूट करके जेल में हमें गिरफ्तार करा और आजम खान को कोई गिरफ्तार कोई नहीं कर रहा, सब लोग बहुत मुसीबत उठा रहे, हम धक्के खा रहे इस उम्र में। सरताज भाई के पास ही, सरताज भाई के सर भाई इधर 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 आज आप जो है एसपी आवास पर आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये रामपुर के वो पीड़ित लोग हैं जिनको आजम खान ने अपनी सरकार में न सिर्फ उजाड़ा था बल्कि इनके घरों में लूटपाट तक कराई थी, और ये तब से लेकर आज तक आजम खान के खिलाफ हर अधिकारी के घर पे चक्कर लगाते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ मिला नहीं है। आजम खान के ऊपर इन परिवारों ने 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन एक भी मुकदमे में आजम खान की अभी तक ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस ने किया है। ये तमाम लोग बहुत खौफ में हैं, दहशत में हैं। इनका कहना ये है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है? अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई नियम तोड़ता है तो पुलिस उसको घर पे जाकर न सिर्फ गिरफ्तार करती है बल्कि जेल में डाल देती है, जबकि आजम खान के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो इन लोगों का कहना है कि ये क्या सरकार की नूरा कुश्ती चल रही है? क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि आजम खान को गिरफ्तार नहीं करना है मुकदमों के अंदर, और जो कोई गरीब आदमी नियम तोड़ेगा तो उस गरीब आदमी को गिरफ्तार करना है? ये तमाम लोग, ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब खड़े हैं, लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो इनकी जमीनें वापस हुई हैं, ना ही इनका लूटा हुआ सामान पुलिस ने बरामद किया है और ना ही आजम खान को गिरफ्तार किया है। हम तमाम लोग ये बहुत पुरजोर गुजारिश करते हैं रामपुर के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि आजम खान को अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए ताकि इन कमजोर लोगों का विश्वास कानून के ऊपर बना रहे। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाइयां चल रही हैं, हम लोग कोशिश में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाकाफी है, थोड़ी सी और पुलिस को मशक्कत करना पड़ेगी। जिस तरीके से गरीबों के ये कानून एकदम से एक्टिव हो जाता है उसी तरीके से आजम खान को गिरफ्तार करना चाहिए। आजम खान के ऊपर सिर्फ पुलिस के मुकदमे ही दर्ज नहीं है बल्कि कोर्ट से उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी है, उसके बावजूद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कौन लोग आए हैं? ये यतीम खाने के पीड़ित परिवार हैं, डोंगरपुर के हैं, क्वालिटी बार के एक स्वामी हैं जिनकी जगह पर आजम खान की बीवी ने कब्जा कर रखा है, तमाम वो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं। हमको
आगे भी जो भी कानूनी प्रावधान है उनके अंतर्गत जो कार्रवाई बनती है वो लगातार की।